एक टेरिस के ऊपर का एक आइडिया ले सकते हैं। इसमें टोटल जो मार्बल के टुकड़े आते हैं उसकी क्रेजी की हुई है इसके ऊपर देख सकते हैं, और इसको बाद में सादा घसाई की हुई है कंप्लीट, जो इसको घसाई की हुई है ये टोटल सादा घसाई की हुई है इसके ऊपर, और पूरा इसका स्लोप ये देख सकते हैं। यहाँ पे तीन जगह आउटलेट निकाले हुआ है इसका, एक यहाँ पे ये देख सकते हैं और एक यहाँ पे आगे ये देख सकते हैं, और बाकी की टेरिस का उधर आगे निकाले हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बीच बीच में इसमें मार्बल की जो पट्टी आती है वो पट्टी देखिए, और फिर इसमें टुकड़े फिटिंग किए हुए हैं। ये तरीके से भी आप एक टेरिस के ऊपर आप फिटिंग करवा सकते हैं। क्रेजी के जो टुकड़े रहते हैं मार्बल के, उनका वेस्टेज जो टुकड़े रहते हैं उनका ये तरीके से आप घसाई करवा सकते हैं, और इस तरीके से सादा पॉलिश या मेरियल पॉलिश भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी सादा पॉलिश किया हुआ है कम्प्लीट। इसमें मार्बल के और ग्रेन मार्बल के, जैसलमेर मार्बल के ऐसे अलग अलग टुकड़े डाल सकते हैं ग्रेनाइट के, जो आगे देखने को मिलेंगे आपको, उसकी डिजाइन भी निकाल सकते हैं इसके ऊपर, जिससे इसकी लाइफ टाइम मजबूती रहती है और पानी लकीज होने का चांस नहीं रहता। इसमें जॉइंट भी लकीज नहीं होता कहीं पे भी, जो देख सकते हैं इसमें टोटल। इसमें रेती माल की तरह जो दाना आता है, 0 mm का जो दाना आता है वो दाना इसके अंदर डाला जाता है, और सीमेंट में मिक्स करके फिर बाद में इसको डाला जाता है, और उसके ऊपर से फिर इसकी घसाई की जाती है कंप्लीट। अलग अलग डिजाइन जैसी चाहिए वैसी डिजाइन डाल सकते हैं। अभी ये सिंपल सा इसको फिटिंग किया हुआ है, ऐसा अगर फिटिंग करवाते हैं इसका तो नॉर्मल से नॉर्मल आपको 40 से 50 रुपये इसका चार्ज देना पड़ता है, ऐसा फिटिंग चार्ज इसका। और इसको अगर सादा पॉलिश करवाते हैं तो कम से कम भी आपको 15 से 20 रुपये इसका सादा पॉलिश का चार्ज देना पड़ सकता है, और उसके बाद में इसमें ये तरीके से आप डिजाइन भी डाल सकते हैं ग्रेनाइट की। अभी ये लाखा रेड ग्रेनाइट की कुछ टुकड़े की सिंपल सा डिजाइन डाले हुआ है यहाँ पर एंट्री में, जो टेरिस के ऊपर से जो आने का रास्ता रहता है वो रास्ता यहाँ से है, इसके एंट्री यहाँ से है, गेट है यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें सिंपल सा कुछ डिजाइन डाला हुआ है जो लाखा रेड ग्रेनाइट की पट्टी में, और ये यहाँ पे टुकड़ों में थोड़ा सिंपल सा डिजाइन डाल के फिटिंग किया हुआ है इसको। ये कम से कम भी 1000 स्क्वायर फुट का टेरिस है जिसके ऊपर ये क्रेजी किया हुआ है, इसको क्रेजी बोलते हैं या फिर सीटू भी बोलते हैं जो मार्बल के टुकड़ों की करते हैं। तो ये तरीके से करवा सकते हैं, इसका लकीज का भी प्रॉब्लम नहीं होता और लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस नहीं रहता इसके अंदर। और टाइल का भी करवा सकते हैं, अगर टाइल्स में भी आप क्रेजी करवाना चाहते हैं तो टाइल में भी सेम इसी तरह से होती है, तो टाइल्स की भी करवा सकते हैं आप अगर करवाना चाहते हैं, वो भी सेम इसी प्रकार से होती है, सिर्फ उसकी घसाई नहीं होती और इसकी घसाई होती है, फिटिंग होने के बाद में इसकी मार्बल की घसाई हो जाती है। सादा घसाई करवा सकते हैं इसकी, और अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में रहा तो कम कॉस्ट में भी काम हो जाता है। और जो टुकड़े देख रहे हैं ये टुकड़े आपको टन से मिल जाते हैं, 300-400 रुपये टन से टुकड़े मिल जाते हैं, ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं और ये अच्छा मजबूत काम हो जाता है। इस तरीके से आप एक टेरिस का आइडिया ले सकते हैं इससे। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में। YouTube चैनल के ऊपर नए तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए आइडिया के साथ में वीडियो आते रहते हैं, और किचन प्लेटफार्म, बाथरूम टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, फ्लोरिंग डिजाइन, स्टेयर्स के वीडियो बहुत से आए हुए हैं जो देख सकते हैं, 1000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं जो देख सकते हैं, और आइडिया लेके आप भी इस तरीके से बना सकते हैं।